वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्रेडिटिंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्रेडिट्स जो कि आप इजीली परचेस कर सकते हो। सबसे पहला ब्रांड है एज इट इज का, जो कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है उसके सप्लीमेंट्स के लिए। उसमें आपको 100 ग्राम का पाउच मिलता है क्रेडिटिंग का और 250 ग्राम का भी पाउच ही मिलता है। सो आपको वो 100 ग्राम का जो पाउच है वो अराउंड 400 टू 500 में पड़ जाएगा क्रेडिटिंग का, और जो 250 ग्राम का पाउच है वो आपको अराउंड 800 टू 900 में पड़ जाएगा। और एज इट इज का क्रिएटिन मैंने खुद ने भी यूज किया हुआ है और उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है, सो आप ले सकते हो उसको। एंड सेकेंड ब्रांड इज मसल ब्लेज, उसमें आपको 100 ग्राम का भी बॉक्स ही मिलता है और 250 ग्राम में भी बॉक्स मिलता है। सो आपको उसमें 100 ग्राम का जो बॉक्स आता है वो आपको अराउंड 500 टू 600 में पड़ेगा, और जो 250 ग्राम का बॉक्स आता है वो आपको अराउंड 1100 टू 1200 के अराउंड या फिर 1100 के डाउन में भी मिल सकता है। सो आप उसकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। मसल ब्लेज का भी क्रिएटिन मैंने यूज किया हुआ है तो आप वो परचेस कर सकते हो, उसका भी इफेक्ट अच्छा है। एंड थर्ड ब्रांड है ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है उसके सप्लीमेंट्स के लिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम का ही बॉक्स आता है। इसमें आपको कोई भी 100 ग्राम का बॉक्स अवेलेबल ही नहीं है। सो आपको उसका जो 250 ग्राम का बॉक्स है वो आपको अराउंड 1200 टू 1300 में पड़ेगा, सो आप वो यूज कर सकते हो। और फोर्थ ब्रांड है फास्ट अप का क्रिएटिन, जिसमें आपको 100 ग्राम का भी बॉक्स अवेलेबल है और 250 ग्राम का भी बॉक्स अवेलेबल है। सो आप अगर उसका 250 ग्राम का बॉक्स लोगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू 100 ग्राम के बॉक्स से। उसका 100 ग्राम का जो बॉक्स है वो अराउंड आपको 600 के ऊपर मिलेगा, और जो उसका 250 ग्राम का बॉक्स है वो आपको 1000 के डाउन में मिल जाएगा। सो आई रिकमेंड कि आप अगर उसका 250 ग्राम का परचेस करोगे तो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, तो वही लेना। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट ब्रांड इज न्यूट्राबे। न्यूट्राबे भी आपको ऑफर करता है 100 ग्राम का पाउच और उसका 250 ग्राम का पाउच, जो कि आप इजीली ले सकते हो। जिसका 100 ग्राम का पाउच है वो आपको अराउंड 400 टू 500 में पड़ेगा, और जो उसका 250 ग्राम का पाउच है वो आपको अराउंड 1000 का पड़ जाएगा। और ये आपको माइक्रोनाइज क्रिएटिन ऑफर करता है, जो कि कुछ नहीं होता है, बस लाइक पानी में इजीली जल्दी डिजॉल्व हो जाता है बस, और ज्यादा कुछ उसका फर्क नहीं है। सो ये थे कुछ टॉप 5 क्रिएटिन्स जो कि आप परचेस कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी, और आप इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्रिएटिन के 3 फॉर्म आते हैं, जो कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड और क्रिएटिन क्रेप्योर। सो आप ये 3 ही लेना, यही बेस्ट है। और सबसे पुराना फॉर्म है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सो मोस्टली सब लोग प्रीफर करते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही। और मार्केट में बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर्स के साथ भी क्रिएटिन आता है, सो आप उसमें फालतू का खर्चा मत करो, वो एक्स्ट्रा पैसे लेते वो की जो कि कुछ इफेक्टेड नहीं है। आप मोस्टली प्रीफर कीजिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही। और अगर आपको लेना है क्रे प्योर तो आप मसल ब्लेज का ले सकते हो, वो एक ही मोस्टली एक ब्रांड है जो क्रे प्योर ऑफर करता है, वो भी लेकिन थोड़ा महंगा है, सो आपके बजट पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। और न्यूट्राबे ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है क्रिएटिन माइक्रोनाइज, सो आप वो भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो।